आई एम अ मच बेटर फादर देन आई वाज अ सन. जी मेरे लिए तो हर दिन ही फादर्स डे होता है. और मैंने एक फादर्स डे के इर्द गिर्द एक किताब भी लिखी जिसका नाम है बैचलर डैड. और उसके उसके 4 महीने खत्म हो गए हैं रिलीज के. मार्च फेब में रिलीज हुई. सिंगल अगर पेरेंटहुड के बारे में बात करें, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था. नर्वसनेस तो थी ही, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी. लेकिन जैसे ही मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया, घर आ गया, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. आई फेल्ट लाइक माय लाइफ बिकम सॉर्टेड. तुझे हाल ही में एक इंटरव्यू में करण जौहर ने कहा था कि वो भी एक सिंगल पेरेंट ही है, उन्होंने कहा था कि एट दिस स्टेज मैं पर्सनल लाइफ में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई हूँ एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल लाइफ. और कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस जो मिलती है फादर मदर या किड से, उससे ज्यादा एक हैप्पीनेस पार्टनर से भी मिलती है. और कहीं ना कहीं उनको भी अब ये रियलाइज होता है और एक पार्टनर की कमी खलती है. आई फील वेरी कम्प्लीट राइट नाउ इन माई लाइफ. मेरी फैमिली कम्प्लीट है. और जहाँ तक पार्टनर का सवाल है, लाइफ पार्टनर तो हर किसी को चाहिए होता है, पर मैंने अभी तक मतलब उस पर इतना सीरियसली ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं इतना मसरूफ रहता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ अपने काम में, अपने बेटे के साथ. जैसा चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे क्या होता है देखा जाएगा. जो मन की बात पल में जान ले, आंखों से जो हर बात को पढ़ ले, दर्द हो या खुशी हो, हर बात को पल में जान ले, पापा ही तो है. और आज हम फादर डे पर ऐसे ही फादर से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिस पर ये लाइन 100% सूट करती है. वेलकम तुषार. थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी वार्म वेलकम. तुषार, सबसे पहले तो बताइए कि आज का क्या प्लान है, फादर्स डे पर आप क्या करने वाले हैं, क्या लक्ष्य ने आपके लिए कुछ प्लान किया है? जी मेरे लिए तो हर दिन ही फादर्स डे होता है. और मैं ये नहीं मानता कि हमें एक पर्टिकुलर दिन पर फादर्स डे मनाना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब तो रोज ही निकलना चाहिए आपकी जिंदगी में. और मैं तो एक सिंगल फादर हूँ, तो मेरे लिए मतलब बाप बनना और बाप रहना बहुत ज्यादा मायने रखता है. तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ रोज, और रोज फादर्स डे मनाता हूँ. एंड दैट इज द जॉय ऑफ माई लाइफ. और वो मेरी जिंदगी को कम्प्लीट करता है, क्योंकि उसके अलावा तो हम काम करते आ ही है और आते करते रहेंगे जिंदगी भर. लेकिन बाप बनने का जो जॉय मुझे 40 साल की उम्र में मिला, आई थिंक मेरी जिंदगी बदल गई. तो मुझसे ये सवाल करना बेकार होगा क्योंकि मैं रोज मनाता हूँ. तुषार, ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या आपको लक्ष्य के जो फ्रेंड्स हैं सुपर डैड, कूलेस्ट डैड का टैग क्या उनसे मिल चुका है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं और मैं उन्हें खेल कूद के वक्त ही मिलता हूँ. आई मीट देम व्हेन दे आर प्लेइंग, मेरे घर पे हो या उनके घर पे हो या बर्थडे पार्टीज पर हो. तो वो ज्यादा अपनी खेल कूद में इंटरेस्टेड रहते हैं. लेकिन ज्यादा बच्चे मतलब मुझे लगता है चाहते हैं मुझे, क्योंकि मेरी वाइब ऐसी है, या मतलब कुछ है आई थिंक मेरे अंदर, शायद एक पैटर्नल इंस्टिंक्ट है, वो पहचान लेते हैं. बट इसलिए शायद बहुत सारे बच्चे बहुत क्लोज हो जाते हैं मेरे बहुत जल्दी. एंड दे फील वेरी कंफर्टेबल विथ मी, इवन पपीज. तो आई थिंक बच्चे जो हमारे वो पपीज की तरह ही होते थे, बहुत दे ऑल इनोसेंट, दे ऑल वेरी वेरी हैप्पी को लकी, मस्ती खोर होते हैं. तो आई थिंक दे ऑल सी दिस सांता क्लॉज इन मी और व्हाट, आई डोंट नो, बट दे रियली गेट वेरी वेरी अटैच्ड टू मी वेरी फास्ट. अच्छा तुषार, ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपके बचपन में फादर्स डे से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, कि यू हैव डन समथिंग स्पेशल फॉर योर फादर? मैं बहुत बुरा हूँ इन चीजों के मामले में. आई एम अ मच बेटर फादर देन आई वाज अ सन, मैं ये मानता हूँ. और मैंने कभी डैड के बर्थडे पे या फादर्स डे पर, इवन मॉम की बर्थडे, एकता की बर्थडे पर मैंने गिफ्ट्स खरीदे हैं कभी कभी उनके लिए. जब मैं बाहर गया या एयरपोर्ट पे अगर कुछ मिल गया मुझे कुछ अच्छा, तो मैंने उनके लिए चीजें खरीदी हैं. बट आई एम वेरी बैड विद बर्थडेज, आई एम वेरी बैड विद दी स्पेशल डेज. जब मैं बड़ा हो रहा था, फादर्स डे वाज नॉट सो बिग. वी यूज्ड टू हैव स्कूल में तो पेरेंट्स डे होता था, स्पोर्ट्स डे होता था, क्रिसमस, न्यू ईयर, दिवाली, होली, बस. वी नेवर हैड चॉकलेट डे एंड टेडी बेयर डे एंड लाफ्टर डे. क्या क्या होता है आजकल, वी डिडंट हैव ऑल दोस थिंग्स थैंकफुली. एंड आई बिलीव इट्स क्वाइट, इट्स मोर लाइक आज के जमाने में भी फादर्स डे मतलब ऑफ कोर्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज, और बहुत ज्यादा मीडिया हो गया है फादर्स डे को लेकर. बट बेसिकली इट्स ऑल अबाउट गेटिंग योर इंस्टाग्राम गेम राइट. यू नो, एवरीबॉडी इज जस्ट वेटिंग फॉर फादर्स डे और वेटिंग फॉर सम अदर डे, ताकि वो अपना पोस्ट करे इंस्टाग्राम पे, कुछ मतलब वीडियो निकाल कर डाले लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए. एंड दैट इज प्रोबेबली द मोडस ऑपरेंडी ऑफ फादर्स डे. बट आज के दिन शायद मेरे लिए ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ फादर्स डे के लिए. लेकिन मैंने एक फादर्स डे के इर्द गिर्द एक किताब भी लिखी जिसका नाम है बैचलर डैड. और उसके
उसके 4 महीने खत्म हो गए हैं रिलीज के, मार्च फेब में रिलीज हुई, मार्च में 4 महीने खत्म हो गए हैं, 4.5 महीने खत्म हो गए, और अब वो किताब ऑडिबल पर भी अवेलेबल है, तो लोग ना सिर्फ किताब पढ़ सकते हैं, डिजिटली पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब को सुन भी सकते हैं। तो फादर्स डे का ये जो फादर्स डे पर जब मैं इस बात का खुलासा कर रहा हूँ लोगों के सामने, तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी किताब को और लोगों के सामने ला सकता हूँ। लेकिन तुषार, ये भी पता चला है कि इस बार आप फादर्स डे में मुंबई में नहीं है, आर यू इन समवेयर एल्स लाइक? जी नहीं, मैं मुंबई में ही हूँ आज फादर्स डे पर, और वर्चुअली हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ। हम पैंडेमिक से बाहर तो निकल ही गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी वर्चुअल जिंदगी खत्म नहीं हुई, विच इज गुड, क्योंकि अब हम फ्लेक्सिबली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपसे किताब को सुनने की बात कर रहा हूँ, किताब को रिटन टेक्स्ट के जरिए पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे मेरी किताब बैचलर डैड को सुनने की बात कर रहा हूँ। तो हम ऐसी अलग अलग चीजें बात कर रहे हैं, वो शायद 10 साल पहले हम कर नहीं पाते, लेकिन ऑडिबल के जरिए बैचलर डैड इज नाउ अवेलेबल ऑन देयर प्लेटफॉर्म, एंड यू कैन हियर द बुक इफ यू डोंट वांट टू रीड इट। यस यस यस। तुषार, सिंगल अगर पेरेंटहुड के बारे में बात करें, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? सिंगल पेरेंटहुड नहीं, मेरे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको इसका जवाब भी चाहिए तो आप मेरी किताब को ऑडिबल पर सुनिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या क्या मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्या क्या नहीं था। ऑफकोर्स डिसाइड करना चैलेंजिंग होता है, फिर सारा जो प्रोसेस होता है सिंगल पेरेंट बनने का, उसमें बहुत सारी लीगैलिटीज होती हैं, बहुत सारे मेडिकल प्रोसेसेस होते हैं, और फिर जब आप बाप बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। तो इन सारी स्टेजेस पर नर्वसनेस तो थी ही, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी। लेकिन जैसे ही मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया, घर आ गया, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, आई फेल्ट लाइक माई लाइफ बिकम सॉर्टेड। फिर जाकर एक, मुझे लगता है एक नया जन्म मेरा भी हुआ। आई वोंट से कि सिर्फ मेरे बेटे का जन्म हुआ, उस दिन June 1st, आई थिंक दैट आल्सो वाज इन जून ओनली, June 1st 2016 को मेरा भी जन्म हुआ, एंड आई बिकेम अ फादर एट 40, एंड शायद उसी वजह से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक दिन अपनी खुद की किताब लिखूंगा, उसको प्रमोट करूंगा, और ऑडिबल पर वो सुनाई भी देगी। सो आई थिंक दिस इज ऑल वेरी कॉस्मिक, बहुत ही मिस्टिक, एंड आई एम अ बुद्धिस्ट ऑल्सो एंड आई चांट। So I think these are some amazing possibilities that happen when you're spiritual. And thank you to Audible for making my book available throughout the galaxy. And people are going to read it from all parts of the world. And they can read it wherever they are in a very, very flexible situation too. And they can read it they can hear it privately because it's on Audible. And so many more things baat karenge hum aapse. उसी की कहानी लिखी है पूरी किताब में, मेरी जर्नी में उसकी कहानी कहाँ शुरू होती है, कहाँ मतलब उसका जन्म हुआ, उसके बाद उसके सारे माइलस्टोन्स, उसके बाद स्कूल जाना से लेकर हमारा जो लॉकडाउन हुआ 2 साल पहले, फिर किताब मैंने खुद लिखी, तो सारी ऑफकोर्स हेल्प तो उसी से ली है। मैंने फोटोज भी अपने फोन पर, जो भी मैंने पुराने फोटोज हैं सब देखे, ताकि सारे जो इंसिडेंट्स हैं मुझे याद आ जाए। सो आई हैव शेयर्ड माय हार्ट आउट, मैंने अपना पूरा जो है एक्सपीरियंस फादरहुड का सब मैंने शेयर किया है इस किताब के जरिए। ग्रेट। तो सर ये भी जानना चाहेंगे, क्या लक्ष्य को अभी आपने कोई अपनी मूवी दिखाई है and he gave you a remarks ki father aapko na aise karna chahiye tha, acha kya main bhi aapke gaane pe dance karta hu, something a funny moment related to your movies? Ji ha, recently uski school mein ek Bollywood dance segment hai, to usme I think unko om shanti om ka gaana sunaya gaya tha ya phir dikhaya gaya tha, I don't remember clearly, aur usne ghar ja kar YouTube par bhi dekha wo gaana, aur his didi showed him that, you know, ki main bhi us gaane mein ek shot ke liye tha. तो उसने मुझे जाके आके बोला, डैड आई सॉ योर सॉन्ग, आई सेड व्हिच सॉन्ग, ही सेड ओम शांति ओम, आई सेड आई एम ओनली देयर फॉर वन शॉट इन द सॉन्ग, ही सेड या बट आई सॉ योर सॉन्ग, एंड ही सेड यू आर इंपॉर्टेंट नो, दैट्स व्हाई यू वर इन द सॉन्ग, आई सेड या आई एम इंपॉर्टेंट, थैंक यू। कोई आपकी मूवी जो लक्ष्य को बहुत ज्यादा पसंद है एंड ही वांटेड कि डैड आप बैठो मेरे साथ और आप अपनी ही मूवी आप उसे दिखाते हैं, कुछ ऐसा? उसने मेरी कोई भी पिक्चर देखी नहीं है, ही हैजंट बीन बॉलीवुड का कीड़ा अभी तक लगा नहीं है, मैंने कोई हिंदी फिल्म दिखाई नहीं उसे, आई ट्राई टू शो हिम some songs of like हम साथ साथ है का ABCD का गाना था एक बहुत पहले,
So I try to show him those songs because it's A B C D and all that. But he hasn't taken to Hindi music yet. वो सुनता है जो भी मैं उसे सुनाता हूँ, बट बहुत अलग अलग टाइप के गाने सुनाता हूँ उसे. बट आई वुड वॉन्ट हिम टू हियर माई बुक व्हेन ही ग्रोज अप. शायद अगर जब वो 15-16 साल का हो जाएगा, शायद अगर उसे अपनी कहानी सुननी होगी तो आई थिंक मेरे किताब के जरिए सुन पाएगा. दैट विल बी सो अमेजिंग, यू नो, माय सन पुटिंग ऑन दीज ईयर पॉड्स लाइक हाउ आई एम राइट नाउ एंड लिसनिंग टू माय बुक ऑन ऑडिबल. दैट विल बी अमेजिंग. अच्छा, ऑडिबल में बैचलर डैड के बाद सम अदर प्लान्स यू हैव कि ये बुक इट्स डूइंग रियली गुड एंड पीपल आर लिसनिंग टू इट, तो आपने सोचा है कि आगे भी आप कुछ ऐसा लिखेंगे या मे बी अ स्टोरी विल बी पार्ट? नहीं, पहले तो मुझे ऑडिबल पर जो लोगों का एक एक्सपीरियंस होने वाला है, हो रहा है अभी बैचलर डैड को लेकर, वो मुझे एंजॉय करना है. बिकॉज आई नो दैट पीपल कैन हियर द बुक इवन इफ दे आर एट द एयरपोर्ट, इफ बिफोर द फ्लाइट टेक्स ऑफ दे कैन हियर द बुक, दे कैन टेक हियर द बुक इन द ट्रेन. सो आई थिंक डिजिटली जो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है हमारी जिंदगी में, मोर सो नाउ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ईयर्स, आई थिंक ऑडिबल हैज मेड दैट इवन लार्जर. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉचिंग द स्क्रीन, क्योंकि अगर हम थक जाते हैं, हमारी आंखें थक जाती है जब हम स्क्रीन इतना देखते हैं, तो अगर आपको हमको रात को अगर कोई किताब पढ़नी हो या सुननी हो, सो यू डोंट वांट टू जस्ट रीड इट ऑन द स्क्रीन. आई डोंट रीड टू मच ऑन माय आईपैड और माय फोन इन द नाइट. आई रीड अ हार्ड कॉपी और आई जस्ट लिसन टू थिंग्स. तो अगर आपको सिर्फ सुनना है तो आप ऑडिबल पर सुन भी सकते हैं. तो ये इतनी सारी पॉसिबिलिटीज शुरू हो गई है, यू नो, एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न. फिर प्राइवेटली भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि आप जब सुन रहे होते हैं तो किसी और को सुनने की जरूरत नहीं. सो द इनवर्सिव नेचर ऑफ द मीडियम एंड ऑफकोर्स स्क्रीन टाइम का जो एक फटीग है वो भी अवॉइड हो जाता है. अगर आप कुक कर रहे हो, कोई लेडी अगर कुक कर रही हो किचन में, तो शी डजंट हैव टू स्टॉप हर कुकिंग टू लिसन टू माई बुक. वो कुकिंग करते करते ही वो सुन सकती है और शायद वो अच्छा खाना बना देगी अपने पति के लिए, क्योंकि आप सुन ली मेरी, आप सुनेंगी मेरी बुक ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी एंटरटेनिंग है. आई एम सॉरी, आई एम बोस्टिंग अबाउट इट, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट हाउ एक्साइटेड आई एम अबाउट दिस बुक बीइंग अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म बाय ऑडिबल. तुझे हाल ही में एक इंटरव्यू में करण जौहर ने कहा था कि वो भी एक सिंगल पेरेंट ही है, उन्होंने कहा था कि एट दिस स्टेज मैं पर्सनल लाइफ में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई हूँ एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल लाइफ, और कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस जो मिलती है फादर मदर या किड से, उससे ज्यादा एक हैप्पीनेस पार्टनर से भी मिलती है, और कहीं ना कहीं उनको भी अब ये रियलाइज होता है और एक पार्टनर की कमी खलती है. डू यू फील द सेम? आई फील वेरी कम्प्लीट राइट नाउ इन माई लाइफ. मेरी फैमिली कम्प्लीट है, और जहां तक पार्टनर का सवाल है, लाइफ पार्टनर तो हर किसी को चाहिए होता है, पर मैंने अभी तक मतलब उस पर इतना सीरियसली ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं इतना मसरूफ रहता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ अपने काम में, अपने बेटे के साथ. जैसा चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे क्या होता है देखा जाएगा, मुझे भी देखा जाएगा. अच्छा, फादर और सन दो जो है, कोई धमाल मचाने वाला है? आज तो हम उसकी छुट्टियां चल ही रही हैं, जून के महीने से शुरू हुई है, तो हम रोज धमाल मचाते ही हैं. अब थोड़ा ट्रैवल भी करने वाले हैं हम एंड ऑफ द मंथ, तो ऐसा मतलब एक्सपेक्ट करके मैं धमाल मचाने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि वे सारी एक्सपेक्टेशन बहुत फिर यू नो मुश्किल हो जाता है एंजॉय करना. सो आई जस्ट लाइक टू गो विद द फ्लो, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. तुषार, एक लास्ट मैसेज क्या आप बाकी सिंगल पेरेंट्स और जो पेरेंट्स हैं उनको देना चाहेंगे फॉर दिस डे? मैं कोई नहीं होता किसी को कोई भी मैसेज देने वाला, बट मैं यही कहूंगा कि आप मेरी किताब पढ़िए, सुनिए ऑडिबल पर, इंजॉय कीजिए. और अगर आपको थोड़ी बहुत प्रेरणा मिलती है इस किताब से कि जिंदगी में कैसे जीना चाहिए, तो वो यही होगा कि हमें अपनी दिल की आवाज़ पर एतबार करना चाहिए, ना सिर्फ सोसाइटी या फिर बाहर की आवाज़ों को सुनकर मतलब कंफ्यूज हो जाने में. कोई कुछ मिलने वाला नहीं है, अगर हम अपने अंदर की आवाज को पहचानने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन हमारे सवालों के जवाब आ ही जाएंगे. सो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद अदर्स, बट आई एम नो वन टू एडवाइज एनीबॉडी. थैंक यू तुषार फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड वी विश यू लक फॉर द फ्यूचर. थैंक यू सो मच.